नमस्कारः। किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या, संस्कृते निहितं मौलिकमिदं विद्याधनमेव भवद्भ्यः प्रापयितुं कृतश्रमां वार्तावलीमादाय अद्य पुनः उपस्थिताः वयम्। अभिवादये अहं रेखा। वाग्देवीं गीर्वाणवाणीं संसेवयितुं प्रयतमाना अहमस्मि सत्यप्रिया, अत्र रेखया सह। अहमपि नमस्करोमि। सत्यप्रिये, इयं गीर्वाणगिरा जीवनस्य नानाविधस्थितिः अपि अतीव सारल्येन निरूपयति, बोधयति च अस्मान् सद्गुणान् प्रति यथानाम् अद्यतनं सुभाषितम् अपि इदम्। जरारूपं हरति धैर्यमाशा, मृत्युः प्राणान् धर्मचर्यामसूया, क्रोधः श्रियं शीलमनार्यसेवा, ह्रियं कामः सर्वमेवाभिमानः। वृद्धावस्था सौंदर्य को नष्ट कर देती है, आशा धैर्य का तथा मृत्यु प्राण का हरण कर लेती है। दूसरों के गुणों में दोष देखने से धर्माचरण का, क्रोध से संपत्ति का तथा दुष्टों की सेवा करने से शील का नाश होता है, काम वासना से लज्जा का नाश हो जाता है और अभिमान से सभी गुणों का अंत हो जाता है। Age burns out physical beauty, desires deplete patience, evil and jealousy burn away virtue, anger destroys wealth, serving the wicked leads to dishonor, lust erodes modesty, but ego and arrogance destroy all qualities. मानो हि महतां धनम् इत्यस्ति अन्यतमा संस्कृत सूक्तिः, परम अभिमानस्तु सर्वथा विगर्यते सत्पुरुषैः। आम्, तथापि मानाभिमानसंवलितमेव लक्ष्यते सामान्यतः जगदिदम्। इदं च वृत्तिवैविध्यमेव बहुशः वार्ता जगति अपि स्फुटीभवति। निर्वाचनायोगेन गुजरात विधानसभायाः द्विशीत्यधिकैकशतासनानां कृते मतदानदिवसाः घोषिताः। प्रथमचरणे दिसंबर मासिके नवमे दिनाङ्के, द्वितीयचरणे च दिसंबर मासिके चतुर्दशे दिनाङ्के मतदानं सम्पत्स्यते। मतगणना दिसंबर मासस्य अष्टादशे दिनाङ्के भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नवदिल्ल्याम् उपभोक्तृसंरक्षणं विषयीकृत्य वैश्विकसम्मेलनस्य शुभारम्भो व्यधायि। सम्मेलनेऽस्मिन् चीन दक्षिण कोरिया सिंगापुर बांग्लादेश श्रीलंका सहितैः पूर्वदक्षिण दक्षिण पूर्वैशिया क्षेत्राणां द्वाविंशत्या देशैः सहभागः कृतः। उत्तराखण्डस्य मसूरीस्थितायां लालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय अकादम्यां प्रशिक्षून् अधिकारिणः सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नीतीनां सफलक्रियान्वयाय जनभागिता सबलं प्रतिपादिता। प्रधानमन्त्रिणा प्रशिक्षणं प्राप्नुवद्भिः अधिकारिभिः केन्द्रीयविद्यालयीयच्छात्रैश्च साकं योगासनमपि अभ्यस्तम्। कर्णाटक विधानसभायाः षष्टिवर्षाणां पूर्त्यवसरे वज्रमहोत्सव इति विशेष कार्यक्रमः आयोजितः। कार्यक्रमे सम्मिलितेन राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन विधानसभायाः सदनोभयस्य सदस्याः सम्बोधिताः। केन्द्रशासनेन चारविभागस्य पूर्वनिदेशकः दिनेश्वर शर्मा जम्मूकश्मीरे भारतशासनस्य प्रतिनिधिरूपेण नियुक्तः। जम्मूकश्मीरस्य निर्वाचितप्रतिनिधिभिः विभिन्नसङ्घटनैः सम्बद्धजनेश्च सह वार्ताप्रक्रियाम् अग्रेसारयितुं नियुक्तिरियं कल्पते। अमेरिकायाः विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिना सह मेलनम् अकरोत्। उभयोः नेत्रोः मध्ये द्विपक्षीयहितान्वयविषयेषु मन्त्रणा संवृत्ता। केन्द्रशासनेन ऋणभारग्रस्तेषु सार्वजनिकबैङ्केषु द्वाभ्यां वर्षाभ्यां एकादशसहस्रोत्तरद्विलक्षकोटिरूप्यकाणां धनराशिः सुलभायिष्यते। शासनेन भारतमाला परियोजनान्तर्गतम् आगामि पञ्चभिः वर्षैः अष्टशताधिकचतुस्त्रिंशत्सहस्र किलोमीटर मित दीर्घमार्गान् निर्मातुं निर्णीतमस्ति। चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालयस्य संस्कृतप्राच्यभाषाविभागे सप्तदिवसव्यापि व्याससमारोहः नैककार्यक्रमायोजनेन सह ह्यः सम्पन्नोऽभूत्। ऐषमः व्याससमारोहः विष्णुपुराणम् आधृत्य प्रावर्तत। लखनऊ आगरा द्रुतगामी राजमार्गे भारतीय वायुसेनायाः सप्तदश विमानैः उड्डयनकौशलं प्रदर्शितम्। येन द्वात्रिंशत् त्रिंशदुत्तरैकशत मिराज द्विसहस्र सुखोई त्रिंशत् इति श्रेणिकैः विमानैः दर्शकाः मन्त्रमुग्धी कृताः। दर्शकाः, इदानीन्तनैः काले संस्कृतभाषा विगतकालापेक्षया लोकानाम् अधिकतरम् अवधानम् अधिगच्छति।
कदाचित् मृतभाषात्वेन उपेक्षां गता इयम् अस्मदीया संस्कृतवाणी सम्प्रति नानाक्षेत्रेषु कार्यरतैः लब्धप्रतिष्ठितजनैः अपि आसेव्यते। सममेव एते जनाः संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसाराय अपि अभिनवपद्धतीः अङ्गीकुर्वन्ति संस्तुवन्ति वा। एतादृशः एव गणमान्यो जनः अस्ति नीडमङ्गलं गोपालस्वामी। दैनन्दिन व्यवहारेषु संस्कृतप्रयोगः अस्याः भाषायाः लोकप्रसाराय अधिकोपयुक्तः इति मतं प्रतिपाद्यते संस्कृताभिरुचिमता विदुषा श्रीमता एन् गोपालस्वामी महोदयेन। भारतीय प्राशासनिक सेवायाः नानापदेषु कार्याचरणपूर्वकम् अमुना भारतस्य मुख्य निर्वाचनायुक्त पदमपि विभूषितमस्ति। पैतृकैः संस्कृत संस्कारैः समलङ्कृतः गोपालस्वामी महोदयः तदीयां तत्त्वनिष्ठां सत्यनिष्ठां चालक्ष्य वर्तमानशताब्दस्य पञ्चदशे वर्षे पद्मभूषणम् इति प्रतिष्ठापूर्ण बहुमानेन सभाजितः। साधयामः अद्य अतिथिविशेषेण अनेन सह संवादम्। स्वागतमस्तु महोदय। प्रथमं तावत् प्रष्टुमिहे यत् भवता रसायनविज्ञानशास्त्रे गहनाध्ययनं विहितं, तत्र च सुवर्णपदकमपि अधिगतम् अस्ति। सममेव भवान् संस्कृतविषये प्रगाढाभिरुचिमपि सन्धत्ते, कथमेतत् भिन्नप्रकृतिकं विषयद्वयं साधितमस्ति भवता? एतत् भिन्नप्रकृति इति अहं न मन्ये। मेरा जो उचेर जो है वो मेरे दादा दादी के यहाँ हुआ था, वो संस्कृत के बहुत गाढ़ अभ्यासी थे, इसलिए मुझे भी संस्कृत के विषय में बहुत अभिरुचि हुई थी। मुझे एहसास हुआ कि ज़्यादातर संस्कृत के बारे में सीखते थे, संस्कृत कम सीखते थे। हाँ, हाँ। उस वक़्त की जो संस्कृत की पाठ्यक्रम पढ़ाने की जो पद्धति थी, हाँ, वो ज़्यादातर बेस्ड मोर ऑन संस्कृत ग्रामर, यानी कि संस्कृत ग्रामर पहले सिखाते थे। मगर आप रोज़ देखेंगे छोटे बच्चे जो हैं वो कोई भी भाषा जान लेते हैं, मगर भाषा की ग्रामर जानने के बाद नहीं। हाँ, हाँ। पहले बोलना सीखते हैं, उसके बाद उनको ग्रामर का परिचय होता है। जब स्कूल में आते हैं ग्रामर का परिचय होता है तो ये संबंध गाढ़ बन जाता है। तो यहाँ क्या होता है, पहले ग्रामर की वजह से बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाते हैं कि बहुत रटना पड़ता है वगैरह वगैरह। तस्मादेव एषा भाषा जटिला प्रतीयते, ऐसी मान्यता है। हाँ। जिसको तोड़ने के लिए काफ़ी कुछ काम किया हुआ है। मैं दाखिला लूँगा संस्कृत भारती का। 1981 में उन्होंने कर्नाटक में संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से सिखाने की एक पहल उठाई थी। हाँ। और बहुत सक्सेसफुल रहे थे। वॉट दे हैव डन इज दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड मटीरियल। अब ये भी एक पिछले 5 साल से एक संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन इति एक संस्था है इधर दिल्ली में, उन्होंने भी इसमें एक खास काम हाथ में लिया है। एक तो पहले 500 से अधिक वीडियो तैयार करके नेट में डाला हुआ है, जहां आप संस्कृत भारती के जो हर एक लेवल की परीक्षा जो है उसके लिए जो किताब तय किए हुए हैं उसको पढ़ने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए भी, यानी कि टीचर्स को भी, हाँ, उनके लिए सरल भाषा में इसको समझाने के लिए उन्होंने वीडियो तैयार किए हैं। इसलिए पूरी जो एफर्ट जो है अभी संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाओ ताकि बच्चों में भी ये अभिरुचि हो, तो उन्होंने ये भी किया है कि CBSE सिलेबस के NCERT के जो किताब हैं संस्कृत के 6 to 12 उसके लिए पूरा गाइड, मानिए तो गाइड, बोथ फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर दी स्टूडेंट्स। सेल्फ लर्निंग भी हो सकता है उसमें से। हाँ। वो पूरा तैयार करके नेट में डाला हुआ है। भवता संस्तुतमस्ति यत् IIT समेषु उच्चतर संस्थानेषु विज्ञान प्रविधि संस्थानेषु अपि संस्कृतं शिक्षणीयं। देखिए हमारी
संस्कृति या कहें या ये भारत वर्ष जो कहें, कम से कम 2500 से 5000 साल का जो इसके पीछे इतिहास है। और आज जैसे लोग रह रहे हैं, लोग पहले भी रहते, कृषि भी होती थी, लोगों को रोग भी होता था, उसके लिए उपचार भी होता था, तो इसलिए कुछ न कुछ उनके यहाँ कुछ भंडार होगा जिसका ज्ञान जो है, तो हम क्यों खोएं उसको। हाँ। उसको भी जानना चाहिए, उसमें जो अच्छे चीज़ हैं उसको लेना चाहिए। तो कब लेंगे आप ये, तभी वो हो सकता है जब आपको संस्कृत के बारे में कुछ ज्ञान हो और उसके ज़रिए आप सीखने की कोशिश करो। इसलिए हमने हमारी जो संस्कृत कमिटी थी उसमें रिकमेंडेशन हमने ऐसा दिया था कि कंपलसरी की बात ही उठना नहीं चाहिए, जिसको भी चाहिए उसको ये उपलब्ध होना चाहिए। एवं तो वैश्विक स्तरे पे संस्कृत प्रचार सुकर भविष्यति। मैं मानता हूँ कि अब योग जो है, योग सब जगह जा रहा है, योग के मूल में संस्कृत भी है। संस्कृत की पढ़ाई बाहर के देशों में चलती है कि अन्य कारणों सहित के लिए भी चलती है, इंडोलॉजी की के भी चलती है, जो हमारे वेद और वेदांग जो है उसकी पढ़ाई के लिए भी चलती है। मगर अब जो है एक ट्रेंड सा बन रहा है कि आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद, ये सब के लिए भी ये कितना काम आया था पहले, और उसमें कोई ज्ञान हो तो उसको लेने के लिए कोशिश अभी जारी होगी, शुरू होगी और शुरू हो रही है, और उसके उसकी तहत संस्कृत की पढ़ाई भी मैं मानता हूँ। संस्कृतम प्रति अपि आकर्षित मानी। तर्हि बालेषु उत वा युववर्गेषु संस्कृतभाषायाः अधिकाधिक लोकप्रियतायै प्रभावितमः कोऽस्ति उपायः? जब आप संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने के लिए व्यवस्था करेंगे तब इसकी अभिरुचि थोड़ी बढ़ेगी। पुराना ज्ञान भंडार को खोलने के लिए संस्कृत उपयोगी बनेगी, इसलिए भी लोग संस्कृत के प्रति आकर्षित होंगे। अद्यतनं हि अन्तर्जालीयं युगमस्ति, तर्हि दृश्य श्रव्य माध्यममपि किं तत्र किमपि कर्तुं सक्षमम्? ये बहुत जरूरी है। अभी तो लोगों को पढ़ने की अभिरुचि कम है, देखने और सुनने की अभिरुचि ज़्यादा है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम के माध्यम से करना ही अब के समय के लिए बहुत उचित रहेगा। भवान वार्तावलीं विलोकयति? समय मिलते ही मैं देखता हूँ। मगर मैं इतना कह सकता हूँ, मेरे दो तीन रिलेटिव्स हैं यूएस में, वो ज़रूर देखते हैं, और जहाँ जहाँ उनको बहुत अच्छा लगता है वो मुझे लिंक भी भेजते हैं कि आप भी देखो। इसलिए मैं मानता हूँ इसकी जो अभिरुचि है, इसको देखने की जो तैयारी है, वो विदेश में जो भारतीय हैं उन तक ये पहुँचता है। भवता तु वेद विषये पि अध्ययनं कृतमस्ति, अध्ययनं किमपि तत्र भवतः कृते उपयुक्ततमं उद्बोधकं वा स्यात्? एक मैं कह सकता हूँ इस समय के लिए, इस काल के लिए आधुनिक संदर्भ में बहुत आधुनिक एवं अद्यतन उपयुक्त है। मैं मानता हूँ कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्, ये आप स्वीकार ऐसे करो, एक समर्पण की भावना से स्वीकार करो। तेने तक्तेन भुंजीता मागृदः कस्यचिद्धनं। सभी को मिलना चाहिए, इस समर्पण भाव से उसको स्वीकार करोगे तो सभी के लिए अच्छा है। अब यही कहते हैं, अभी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह जो है, एनवायरमेंट को मत बिगाड़ना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, पानी हो दूसरी चीज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो तेन तक तेन भुंजीता मागृदः कस्यचिद्धनं। एवम एवं महान रुचिकरः संवादोऽयं सम्पन्नः, वार्तावली पक्षतः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि, उपकृतास्मि। नमस्कार, धन्यवादः। संस्कृतेनैव संस्कृतम् अध्यापनीयम् इति सविशेषं प्रतिपादितम् अतिथिवर्येण। एतच्चैव अभिमतं समर्थयति वार्तावली सरलसंस्कृतशिक्षणमाध्यमेन।
नमस्कारः। अद्य पुनः सरल संस्कृत शिक्षण क्रमे अस्यां कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम्। पूर्व कक्षायां वयं शब्दानां परिचयं ज्ञातवन्तः। अद्य पुनः नूतनानां शब्दानां परिचयाय आपणिकस्य आपणं प्रति गच्छामः। एषः अत्र आपणिकः, अस्य पार्श्वे सर्वमपि अस्ति। कृपया सूच्याम् अङ्कितानि वस्तूनि ददातु। गृहस्य कृते यापि सामग्री भवति, यानि वस्तूनि भवन्ति, तानि सर्वाणि अपि आपणिकस्य आपणे मिलन्ति। वयं रूप्यकाणि दत्त्वा तत्र वस्तूनि गृहं प्रति आनयामः। कति रूप्यकाणि जातानि? 2000। 2000, स्वीकरोतु। धन्यवादः। अत्र सामग्री, एषः तक्राटः, एषः तक्रनिर्माणाय अस्य प्रयोगः भवति। सम्यक्। एषः तत्र वर्तते कोशकः। किं वर्तते? कोशकः। कोशके वयं वस्तूनि स्थापयामः। कोशके वयं वस्तु, अस्य आवरणम्, अस्य आवरणं वर्तते। एषा तत्र छारिणी। किं भवति? छारिणी भवति। एषा रज्जुः। किमस्ति? रज्जुः। एषा तत्र प्रोञ्छनं। किम् अस्ति? प्रोञ्छनम्। एषा तत्र गदुकः। एषा चषकः। एषा चषकः जलपानाय भवति। एषा करण्डः। एषा करण्डः। वयं करण्डे वस्तूनि स्थापयामः। एषा तालः। एषा एषा कुञ्चिका। तालस्य कुञ्चिका। एषा तालस्य कुञ्चिका। कुञ्चिकाकोशः। एषा कुञ्चिकाकोशः। किमस्ति? कुञ्चिकाकोशः। सम्यक्। साम्प्रतम् एकं गीतम्। आपणिकस्यापणे चलामः, सामग्रीं क्रीणीमः, स्नानार्थं धेनुं प्रोञ्छनम् क्रीत्वा नद्यां मज्जामः, स्थूलां रज्जुं क्रीत्वा सर्वे दोलायां विहरामः, सामग्रीं करण्डे धृत्वा उद्यानं गच्छामः, पक्षिव्यापानार्थं नीरं छद्यां स्थापयामः, सिक्किवर्तिकां प्रज्वालामः, ज्योति प्रकाशयामः। अस्तु, सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामिसप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। आपणिकस्तु अस्माकं समेषामेव दैनन्दिनजीवने महत्त्वम् आवहति। नित्योपयोगिवस्तूनां नामानि शिक्षणेस्मिन् गीतगुम्फितानि। गीतं चैतत् बहु रोचकम्। गीतं तु कथं विधमपि स्यात् रोचकमेव भवति। तच्चैव स्फुटीभवति वार्तावल्याः स्पर्धागीतमाध्यमेनापि। स्पर्धागीतस्य नित्यक्रमे अद्य पुनरागतोऽस्ति निर्णयदिवसः। दर्शकाः, तारो मे सच्के अपने सूरज से इति गीतस्य कृते अनुवादास्तु अस्माभिः अत्यल्पाः एव अधिगताः। पुनरेकदा प्रार्थ्यन्ते भवन्तः अधिकाधिकसङ्ख्यायां स्पर्धा सहभागाय। अस्तु, अद्य तावत् स्पर्धायामस्यां विजयश्रिया अलङ्कृतोऽस्ति गुरुग्रामतः डाक्टर् C.R. नागपालः। तारास्वर्गम् समलङ्कृतेयं पश्यद्धरणी मेले कुमेति, तारास्वर्गं समलङ्कृतेयं पश्यद्धरणी।
पटलाना नयनयोरञ्जनम् आतपस्य मुखे ददति शाट्यञ्चलमिव स्वर्णस्य मेघपटलाना तरङ्गितैवं विजृम्भमाणा शब्दो यथा शालिर्विकसितुं पारासर्कं समलङ्कृतेयम् वर्धाप्यते वार्तावल्या स्पर्धा विजेता डॉक्टर नागपालः सम्प्रति च अभिनवं स्पर्धा गीतं घोषणीयं बालानां रंजनाय गीतं तु सर्वोत्तमं साधनं तस्मात् चैव चलचित्रेष्वपि शिशून् बालान् वा उद्दिश्य पौनः पुण्येन गीतानि आविर्भवन्ति एतत् प्रकारमेव गीतं अस्माभिरपि चितमस्ति अनुवादस्पर्धार्थं चन्दा है तु मेरा सूरज है तू ओ मेरे आँखों का तारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरे आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख के इस टूटे दिल का सहारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है अस्य सुमधुर शब्दालंकृत गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकानुवादः भवद्भिः नवंबर मासे षट् दिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः निर्णयश्च तदनु नवंबर मासे एकादशे दिने सूचयिष्यते पुनरेकदा अधिकाधिक संख्यायां प्रविष्टि प्रेषणाय प्रार्थ्यते दर्शकानां प्रतिक्रियान्तर्गतम् अस्मदीया नियमित दर्शिका अनीता माथुरः प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्रिणः संवादं प्रशंसन्ति लिखति यत् लघूनि सरलानि च वाक्यानि संवादम् अवबोद्धुम् अधिकतरम् उपयोगीनि इति मे मतम् महोदये अवश्यम् अवधास्यते अस्माभिः वार्तावल्यां दर्शकैः सह वार्तालापक्रमे सत्यप्रिये सम्प्रति आपन्नाः वयम् अन्तिमम् उपसंहारचरणं प्रयातव्यम् अस्माभिः ऋतुचक्रं परिवर्तते शीतञ्च शनैः शनैः पदमादधाति ऋतुपरिवर्तनमिदं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वास्थ्यवर्धकं माङ्गल्यकरं च भवतु नमो नमः अग्निसमं प्लवते ज्वालाध्वजातं दहन्ति हृदयं उग्रप्रभञ्जनस्य श्वासा अग्निसमं प्लवते ज्वालाध्वजातं दहन्ति हृदयम् उग्रप्रभञ्जनस्य श्वासा नैवं वेता नैवं साता पश्यामः किं स्याधाः हृदयम् तारास्वर्गं समुलङ्कृतेयम्